इंडिया टीवी आपकी आवाज। अभी नई सरकार बनने के बाद ये हमारे सरकार का पहला बड़ा कार्यक्रम है जो कि लगभग 110 या 15 स्थानों पे किया जाएगा। 95 ब्लॉकों में तो 100% होगा, सभी 7 के 7 नगर निगमों में होगा और अभी तक 11 नगर पालिकाओं में भी हमने चिन्हित कर दिया कि वहां भी कार्यक्रम होंगे। कुछ कार्यक्रम बढ़ भी सकते हैं तो मुझे लगता है कि सभी जगह कार्यक्रम होंगे और हमारा विभाग जो है आज से इन कार्यक्रमों की तैयारी में लगा है। आप लोगों के इस बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मंत्री जी, मेला होगा, खत्म हो जाएगा, उत्तराखंड स्वस्थ कब होगा? क्योंकि मेले लगेंगे, आप तमाम योजनाएं बताएंगे, पहाड़ पर जो तस्वीरें आती हैं, चाहे गर्भवती महिलाओं की हो, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन दूर अस्पताल में नहीं है, कई लंबे समय से बेसिक जो प्रॉब्लम है स्वास्थ्य विभाग की, वो कब दूर होगी? मेला तो एक अलग इवेंट है। देखिए, जो बातें आपने कही अभी, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हमने 5 चीजों पे फोकस किया है। आपने देखा होगा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने पहला निर्णय किया कि भाई लगभग 30-32 हजार लोग हमारे हॉस्पिटलों में जाते हैं, राजकीय हॉस्पिटलों में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबको दवाइयां फ्री देने का काम हमारी सरकार करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर दिन 21 से 22 हजार लोग जो है निशुल्क उपचार हमारे हॉस्पिटल में करा रहे हैं। हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती थी कि उनको जब भी चेक करने के लिए हॉस्पिटल आते थे तो अपने पैसा खर्च करना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को लाने की व्यवस्था से लेकर और छोड़ने की व्यवस्था तक ये भी निःशुल्क की है। एक हमने बड़ा काम ये किया है कि अगर कोई बहुत बीमार है और उसको एम्स लाना है या मेडिकल कॉलेज में लाना है या देहरादून लाना है तो अभी तक क्या होता था कि 108 के जरिए आता था और कई बार बहुत स्थिति खराब हो जाती थी। तो हमने हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 52 या 53 मरीजों को हमने जो है उससे भी क्या ड्रॉप करके उनको जो है सुविधाएं दी। फिर हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया था कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को जो है 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहां आयुष्मान भारत के अलावा अटल आयुष्मान योजना में सभी लोग कवर होते हैं। और जब ये दिक्कत आ रही थी कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं बनने थे तो हमने कैबिनेट में एक निर्णय कराया है कि अब आयुष्मान कार्ड जो है सबके बनेंगे, ये भी निर्णय हो गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे राज्य में 5,37,000 परिवारों का निःशुल्क जो है कैशलेस इलाज हो गया है। तो क्या होता है कि जितना काम होते हैं बातें कम आते हैं। और इसके बाद जिन गांव में रोड नहीं है और वहां का गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल तक लाना है तो हमने लगभग 1,500 डंडी कंडियां भी उस गांव में दे रखी है और जो 4 लोग जो है उस मरीज को लेकर आते हैं उसके लिए भी पैसा जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग उन गांव को देता है। लेकिन फिर भी मैं आज ये कह रहा हूं कि हम 2 दिन का चिंतन शिविर कर रहे हैं और आप लोगों के भी सुझाव लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो हमारे जिला हॉस्पिटल है और हमारे उप जिला हॉस्पिटल है, ये लगभग 35 है पूरे राज्य में। और हमने कहा है कि वहां हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। और आपको 3 या 4 महीने में ये चीजें दिखाई देंगी कि कोई भी आदमी जो है हॉस्पिटल अगर गया तो उसको रेफर सेंटर नहीं होगा, वहां हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। ये 4 महीने का हमने टारगेट रखा है और मैं ये कह सकता हूं आज कि आप 4 महीने बाद जब हम फिर यहां पे बैठेंगे तो आप ये कहेंगे कि साहब काफी व्यवस्थाएं सुधर चुकी हैं। आप लोगों के भी सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन आज की जो प्रेस है
वो ये केंद्रित है कि वह हमको 18 से लेकर और 22 तक।